विकास दिव्य कीर्ति, हिंदू युवाओं के दिमाग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरुद्ध विष भर रहा है। इस आदमी का हाव भाव देखो, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बहुत ही कूल हैं, कितने अच्छे शिक्षक हैं, कितनी सरलता से छात्रों को पढ़ाते हैं, इन्हें बेहतरीन शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाने के नाम पर यह व्यक्ति हिंदू युवाओं के अंदर भगवान श्री राम के प्रति नफरत और घृणा भर रहा है, हिंदुओं के बीच जातिवाद को बढ़ावा देने का अभियान चला रहा है, दलितों को सवर्णों के प्रति भड़का रहा है और वाल्मीकि रामायण के नाम पर मिथ्या वादन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं संस्थापक अतुल मिश्रा आज आपके समक्ष विकास दिव्य कीर्ति का सत्य रखने जा रहा हूं। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। दृष्टि IAS के लोगों के साथ वायरल हो रहे इस वीडियो के आधार पर ही हम आज का यह विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज यह वीडियो देखिए। देखिए कि रामायण में एक प्रसंग आता है, प्रसंग ये है कि राम राजा बन गए हैं, वशिष्ठ उनके राजगुरु हैं, और अचानक वशिष्ठ ने राम से कहा कि देखिए राजन, कुछ हमारे क्षेत्र में गलत हो रहा है, और कुछ इतना गलत हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रकोप हो सकता है। तो राम ने पूछा, भी ऐसा क्या हो रहा है? तो कहा, ये तो आपका काम है पता करना, आप राजन हैं, हमारा काम तो खाली बोलना है, बताना है। तो राम निकले अपने राज्य में देखने के लिए कि कहां कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। पर राम के राज्य में अनैतिक कार्य कैसे हो, तो राम राज्य है जो आजकल सरकार करी के आने वाला है जल्दी ही। घूमते घूमते अंत में एक व्यक्ति उनको मिल गया तपस्या करता हुआ। तो राम ने पूछा, भाई कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम शंबूक है। तो राम ने कहा, किस वर्ण से हो, किस जाति से? तो उसने बताया कि वो शूद्र जाति से है। बस यही मामला था, राम के राज्य में एक शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ये भगवान राम कैसे बर्दाश्त करते? वशिष्ठ जी ने कहा है अनैतिक है, ज्ञान आ वहीं से रहा है सारा। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, इतना सुनना था कि राम ने उस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो आपने सुना कि विकास दिव्य कीर्ति इस वीडियो में कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में शंबुक का प्रसंग आता है। वो आगे कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा कि राज्य में बहुत कुछ अनैतिक हो रहा है। भगवान राम पूरे राज्य में यह ढूंढने के लिए घूमते रहे कि क्या अनैतिक हो रहा है। फिर उन्हें शंभुक तपस्या करते हुए मिला। शंभुक शूद्र था और शूद्र तपस्या कैसे कर सकता है, इसलिए भगवान राम ने उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दी। विकास दिव्य कीर्ति अपने वीडियो में यही कह रहे हैं। अब आप सच सुनिए, क्या वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग है? इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड पर समाप्त हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसके बाद कोई कांड है ही नहीं। शंभुक की यह कहानी भी उत्तर कांड की है, जैसे कि माता सीता के परित्याग वाली कहानी, जबकि उत्तर कांड तो वास्तविक रामायण यानी वाल्मीकि रामायण में था ही नहीं। अब यहां एक और बात है जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। वाल्मीकि रामायण के नाम पर देश में अनेक रामायण की किताबें मिलती हैं, लेकिन वो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं। वास्तविक वाल्मीकि रामायण अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, तो इंटरनेट पर जाइए और valmikiramayan.net सर्च कीजिए, या वेबसाइट IIT के कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है। रामायण के आगे के संस्करणों और तुलसीदास की रामचरितमानस में उत्तरकांड मिलता है। इसी उत्तरकांड में यह पल्प फिक्शन जोड़ा गया है। ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि विकास दिव्य कीर्ति का यह प्रसंग पूर्णतया भ्रामक है, झूठ है, गलत है, फेक न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। अगर विकास दिव्य कीर्ति रामचरितमानस के जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं उसे एक बार को मान भी लें, तब भी आप सोचिए कि भगवान राम अपने साथ कब तलवार रखते थे जो वो गर्दन काट देंगे। भगवान राम के पास सदैव धनुष बाण ही रहा है, तलवार नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु श्री राम निहत्थे पर कभी वार नहीं करते थे। अगर शंभुक निहत्था बैठा है तो भगवान राम उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकास दिव्य कीर्ति कह रहे हैं कि शंभुक तपस्या कर रहा था, जो कि रामचरितमानस के अनुसार भी गलत है, क्योंकि रामचरितमानस में बताया गया है कि शंभुक वेद पाठ कर रहा था। वीडियो में विकास दिव्य कीर्ति कह रहे थे कि राम को यह ज्ञान गुरु वशिष्ठ ही दे रहे थे, इसमें उनका इशारा ब्राह्मणों की तरफ है। हम सब जानते हैं कि विकास दिव्य कीर्ति के विचार
ब्राह्मणों को लेकर क्या है, इसलिए इस पर इसके सिवाय कुछ और नहीं कहा जा सकता कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर छात्रों को पढ़ाते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के चरित्र को हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। हम सभी ने पढ़ा कि भगवान राम के सबसे करीबी और परम मित्र निषाद राज गुह थे, और निषाद राज अगर आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो दलित कहे जाएंगे। अगर भगवान राम दलितों के विरुद्ध होते तो वो एक दलित को अपना परम मित्र क्यों बनाते। इसके साथ हम यह भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने एक वनवासी महिला यानी शबरी के बेर खाए थे। अब यहां पर आपको समझना चाहिए कि शबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए थे बल्कि अच्छे बेर ही खिलाए थे, और शबरी को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो ST यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में आएगी, परंतु प्रभु श्री राम ने उसके हाथों से बेर खाए। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान निरंतर मूल निवासियों से, आदिवासियों से, वनवासियों से संपर्क किया, उनकी मदद की, उनके साथ रहे, उनके उत्थान के लिए काम किया, उन्हें राक्षसों से बचाया। उसके साथ ही प्रभु श्री राम ने जब राक्षस रावण से युद्ध किया तब उन्होंने इन्हीं वानरों का साथ लिया। इन सभी तथ्यों को साथ लेकर चलिए हम अंबेडकर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो दलितों के मसीहा के तौर पर इस दौर में पेश किए जाते हैं, परंतु उन्होंने शंभुक के इस प्रसंग को लेकर क्या कहा था वह भी जानना आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शंभुक वध के लिए हमें राम को दोष नहीं देना चाहिए, इसके लिए राम कतई दोषी नहीं थे, इसके लिए उन्हें दोष देना उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों का समूह अंबेडकर की बात भी नहीं सुनता और प्रभु राम के विरुद्ध षड्यंत्र ऐसे ही भ्रामक शिक्षण सामग्री से फैलाता है जिससे कि हिंदुओं को जाति के आधार पर तोड़ा जा सके, उनके मन में अपने ही धर्म के प्रति संशय पैदा किया जा सके। हमें ऐसे धूर्तों से बचकर रहने की आवश्यकता है।